हमीरपुर शहर के गांधी चौक पर बनाए गए आधुनिक शौचालय में महिलाओं के लिए रखी गई फीस पर विवाद शुरू हो गया है। सामाजिक संगठन भी बढ़ाई गई फीस के विरोध में उतर आए हैं। महिलाओं से शौचालय का इस्तेमाल करने पर 10 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। हालांकि अन्य जगहों पर संचालित शौचालय में यह शुल्क 5 रुपए है। यहाँ पर शुल्क में की गई दोगुनी बढ़ोतरी से महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए सामाजिक संगठनों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। इस संदर्भ में एक ज्ञापन उपायुक्त हमीरपुर को सौंपा गया। उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर इस शुल्क को कम करने की मांग उठाई गई है। सोमवार के दिन 4 सामाजिक संगठनों ने एकजुटता के साथ इस मामले को उपायुक्त के सामने रखा। सर, हम जिला उपायुक्त को मिलने गए, मिलने वालों में प्रकाशन सेन, प्रभाषदास के प्रधान जो कि मैं हूँ, कमलेश जी जो कि सर्विस के प्रधान, सभी हित सदस्यों के प्रधान हैं, किशोरलाल जी जो कि समाजसेवी हैं। हम उनसे इसलिए मिलने गए हैं क्योंकि नगर परिषद हमीरपुर ने गांधी चौक के पास जो नवनिर्मित शौचालय बनाया है, इसमें तो कोई शक नहीं, शौचालय तो बहुत बढ़िया आधुनिक तरीके से सुविधाओं से लैस है, मगर जो रेट इन्होंने 10 रुपये निर्धारित किया है वो बहुत ही ज़्यादा है। 5 रुपये से एकदम इन्होंने दुगुना बढ़ा करके 10 रुपये कर दिया है। यह रेट महिलाओं के लिए बहुत ही परेशानी करने वाला है, क्योंकि जेंट्स पेशाब जाते हैं तो उनका तो कोई चार्ज ही लगता है, मगर लेडी अगर पेशाब जाती है तो उसका 10 रुपये लगता है, जो कि अनुचित है। यह रेट जो इन्होंने नगर परिषद ने हमीरपुर ने कर दिया है, हमें लगता है कि इस तर्ज के ऊपर ऐसा ना हो कि ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाए, जो कि परेशानी का सबब बनेगा। हमीरपुर शहर के गांधी चौक पर बनाए गए आधुनिक शौचालय में महिलाओं के लिए रखी गई फीस पर विवाद शुरू हो गया है। सामाजिक संगठन भी बढ़ाई गई फीस के विरोध में उतर आए हैं। महिलाओं से शौचालय का इस्तेमाल करने पर 10 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। हालांकि अन्य जगहों पर संचालित शौचालय में यह शुल्क 5 रुपए है। यहाँ पर शुल्क में की गई दोगुनी बढ़ोतरी से महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए सामाजिक संगठनों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। इस संदर्भ में एक ज्ञापन उपायुक्त हमीरपुर को सौंपा गया। उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर इस शुल्क को कम करने की मांग उठाई गई है। सोमवार के दिन 4 सामाजिक संगठनों ने एकजुटता के साथ इस मामले को उपायुक्त के सामने रखा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।